तो जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में दिल्ली से गोवा गया था घूमने के लिए, और वापसी के समय मैंने सोचा कि थोड़ा प्लान में चेंज किया जाए और एक थोड़ा डिटूर लेके अहमदाबाद से होते हुए मैं अपने गुज्जुओं से मिलता हुआ हूँ और आपको भी मिला हूँ उनसे। तो चलिए आपको अहमदाबाद दिखाते हैं। और रात पहुँच के यहाँ नींद बहुत अच्छी आई, बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं रात के लोग। और इन लोगों को तो मैं थाईलैंड में जान गया था। हुआ ऐसा था कि ये चार बच्चे से मुझे एयरपोर्ट पर दिखाई दे, इनका कोई प्लान नहीं था। मैंने पूछा कि कहाँ से आए आप लोग, कहते भाई इंडिया से आए हैं, हमें कोई आइडिया नहीं, आप हेल्प करोगे। तो मैंने चार पाँच दिन इन्हें अपने साथ ही रखा था और घुमाया था पूरा थाईलैंड, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो ये एज के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो मैंने उनका थोड़ा ध्यान रखा था। तो वो लोग यहीं पर हैं, अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। गुजरात में छे तो खावानी मौत छे। तो यार मैं अहमदाबाद में आ चुका हूँ और ये मेरे दोस्त जीशान, ये आकिल और ये मैं। और आप मेरी खुशी देख ही सकते हो कि यार इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी खाने की कौन देता है यार, इतना करने की भाई क्या जरूरत थी। अरे बस क्या आप जान लोगे क्या, आई कांट बी मोर थैंकफुल टू दीज गाइज। बहुत ही मजा आ रहा रात में, इवन इन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप भी किया। पिक किया, और मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ जो इनसे मेरी मुलाकात हुई। और आज पूरा एक साल हो गया, हम लोग फरवरी में मिले थे जब हमारी वो ट्रिप स्टार्ट हुई थी, और अब फरवरी में ही ऑलमोस्ट एक साल के बाद में पूरे हम लोग वापस मिल रहे हैं। कौन आया कौन आया? अरे ये तो बच्चा है। कैसा है बच्चा? अरे हाइट बढ़ गई यार। अहमदाबाद में हूँ और हम लोग यहाँ एस्टोडिया प्लेस पर आए हैं जहाँ पे एग्स और वनीला जंगे बहुत ज़्यादा फेमस है। ये दिया है कुछ ऐसा पीने के लिए, तो देखते हैं क्या टेस्ट है इसका। प्रीटी नाइस। और ये अपनी अहमदाबाद की मंडली। और जैसा कि आप देख रहे हो आपकी तरह मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जी इसे कहते हैं रियल गुजराती थाली। ओहो हो, 8 से 10 सब्जियां, पापड़, ये वो, पता नहीं क्या क्या। और तो जी वैसे तो मैं कभी मुंबई मरीन ड्राइव गया नहीं हूँ, लेकिन अभी जहाँ पे मैं हूँ अहमदाबाद में, ये जगह मरीन ड्राइव से कम नहीं लगती है। इनफैक्ट ये यहाँ का रिवर फ्रंट है, ये जहाँ पे सी प्लेन भी ऑपरेट करता है यहाँ से। तो जी बात कुछ ऐसी है, मैं 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले एक कार लॉन्च हुई थी जिसको मैं बहुत टाइम से दिल्ली में चाह रहा था कि वो मिल जाए, लेकिन वो मुझे कभी मिली नहीं। और आज फाइनली ऑल थैंक्स टू माई गुजू बॉयज मेरे पास वो कार है। एंड वो कार है टटने द ऑल रेट्रो टाटा नैनो, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लकटकिया। और आज 10 साल के बाद मैं फाइनली इस कार को ड्राइव करने वाला हूँ। लोगों की विश लिस्ट होती है कि वो मस्टैंग ड्राइव करें, मेरी विश लिस्ट में था कि मैं एक बार टाटा नैनो को ज़रूर ट्राई करूँ और ड्राइव करूँ, और आज फाइनली मैं वो करने वाला हूँ। So let's do it. और ये कार हमारी स्टार्ट हो गई है, एंड लेट्स ड्राइव दिस कार। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई गुजराती बॉयज फॉर इन्वाइटिंग मी, और इतना अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस देने के लिए जो अहमदाबाद का मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अपने घर में रखना, अपनी चीज़ें प्रोवाइड करना, अहमदाबाद का वाटर रिवर फ्रंट दिखाना, आप देख सकते हैं वैसे कि यहाँ पे। एंड
आई कांट बी मोर थैंकफुल। ऐसा लगता है कि थाईलैंड में मुझे मेरे इंडियंस मिले वो मुझे लाइफ टाइम के दोस्त मिल गए। सो आकेल को भी अब मैं दिखाई देता हूँ, कैमरे के पीछे शूट भी यही कर रहा है, एंड तीन लोग और हैं उनसे भी आपको मिलाई देंगे, वैसे आप देख चुके हो लेकिन और अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जी अभी हम आ रखे हैं यहाँ के अहमदाबाद के एक ज़ू में, नॉकटर्नल ज़ू इसका नाम है, और ये बिल्कुल ही काकरिया लेक के पास है जिसमें आप आ सकते हो, और इसके चार्जेस भी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। ये है यहाँ का काकरिया लेक। सो फाइनली द डे हैज़ कम टू गो बैक टू माई होम इन दिल्ली, और बहुत मज़ा आया। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पे, यहाँ से मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है रात के 9 बजे की, और मेरे को मेरे दोस्त लोग अभी भी यहाँ पर छोड़ने आए हैं। फाइनली द जर्नी हैज़ एंडेड एंड इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ मेमोरीज which I'm not gonna forget, especially my Gujju boys, and also a very nice trip with Shubham Jain, my Jenny, in Goa, and can't wait to post another video for you guys. So stay connected and we'll see you soon in the next vlog. Till then, namaste, bye bye.